ऐसा है कि पापी के मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता। अब आप ही पापी तो हाँ को नहीं कि भजमन नारायण नारायण। जो जो पापी होगा नहीं बोलेगा भाई, कुछ भी कर लेगा। अगर आपना मैंने भी पापी लेगा नहीं तो बच्चे कहीं भी कर लो, होना को घट देगा तो भी नहीं बोलेगा कि भजमन श्रीमद नारायण भाग्योदयी नहीं जन्म समर जीते नहीं सतसंगम च लभते पुरुषो यदा। जब एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, जब जीव के जन्मों जन्मों के जब भाग्योदय होते तब जाकर के मानव को कहीं भगवान की गड़ी दो गड़ी की सत्संग सुनने को मिलती है। और तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी एक घड़ी आधी घड़ी आदि ते बुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी आदि ते बुनियाद तुलसी संगत साध की हरे हरे की अपना। वैसे धर्म नगरी में भगवान की कथाएं होती है, पर जीवन में एक चीज याद रखें कि भगवान की कथा को कभी आप मनोरंजन का संसाधन न बना। अगर किसी के मन में देखो कथा में केवल और केवल मिलेगा तो आनंद ही मिलेगा। कथा में क्या मिलेगा? आनंद। और जो मजा लेने आए हैं ना वो दुखी रहेंगे, उनको मजा नहीं आएगा। ये भगवान की कथा 7 दिन तक चलेगी, जिंदगी भी 7 दिन की। पहले कुछ बातें खुली हो जाए तो ठीक रहेगा,
बस में सापरा गए कि नहीं गए कभी? सापरा गए बस में? यो अपना हाईवे रोड नहीं बने उनका दिल्ली गया कि नहीं गया? हाईवे तो बने बने पांच चार साल का। बस में पाते लेट जाओ तो कतरा दचका लगे। ऊंचे ऊंचे का आदमी हैरान रहे। इन्हें बच में बीच में लेट जाओ तो मैं आगे वालों नजर आऊं रोड पर कहीं आ रही जो न फाचे कहीं दे रही जो दीपो। इन्हें ड्राइवर की केबिन में लेट जाओ तो जनकी नहीं राजा आप आए हैं। अगर इस कथा का आनंद लेना तो 7 दिन तक आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। हमारे साथ रहोगे तो आनंद मिलेगा। ड्राइवर की केबिन में बैठे गेड़ो पूरा रोड नजर आ रहा। कथा का आनंद लेना तो साथ रहना। बीच में रह जाओगे तो ये आनंद नहीं मिलेगा और पीछे रह जाओगे तो मुझे धचका ही चलागी यार कहीं ले रही हूँ कहीं नहीं ले रही हूँ। मुझे कथा हम करो निकलेगी। कथा तो निकलेगा तो सही पर कटो निकलेगा ऊपर। तो भगवान की कथा एक तो मनोरंजन का साधन नहीं। आप अगर इसे मनोरंजन का साधन समझ करके घर से निकलोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ आओ तो चोरी करने के उद्देश्य से। आगामी 7 दिनों में जब भी पधारो तो कब कैसे पधारना? चोरी करने के उद्देश्य से। कुछ अच्छी न अच्छी वस्तु में इस कथा से सीख करके जाऊंगा, मेरे हृदय के अंदर धारण करके मैं जाऊंगा। इस उद्देश्य से अगर आप आओगे तो जरूर आपको श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद मिलेगा। महापुरुष कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि बुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपना। अगर किसी सज्जन व्यक्ति की एक पल भर की भी संगति मिल जाए तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट नष्ट नष्ट। और जब भगवान की सत्संग करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों से मिलती है, केवल एक घड़ी की सत्संग, और आप पर हमारा ऐसा सौभाग्य कि आपको हमारे को 7 दिनों की सत्संग मिली, न जाने कितने जन्मों का जब पुण्य उदय हुआ तब जाकर के ये भगवत की कथा अपनी से धर्म नगरी पवित्र में हो गई। तो भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिति ने सत्संगम चलती पुरुषो यदा रे। जब एक जन्म के नहीं दो जन्म के नहीं जब जन्मों जन्मों के जब जीव की भाग्य उदय होती तब जाकर के जीवात्मा को ये परमात्मा की कथा सुनने को मिलती है। आइए परमात्मा के श्री चरणों के अंदर हृदय को लगावे, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे जगत पिता, हे निराकार से साकार स्वरूप को धारण करने वाले श्री हरि विष्णु, हम समस्त जीवात्मा आपके श्री चरणों में है। कृपा करके आप हमारे जन्मों जन्मों के आवागमन का जो पुनर्भि जन्म पुनर्भि मरणम बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के चक्रव्यूह से आप हमें मुक्त करके आप हमें आपके श्री चरणों में स्थान प्रदान कर दीजिए। हरि मुनि के चरणों से लगा ले वो मेरी शाम मुर्गी वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे
जय जय मेरा।
के बाहर आ जा कि श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम Thank you.
ठंड कम पड़ी कि नहीं पड़ी? आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। भाग्यवती ने गुरु जन्म समर्पिति ने सत्संगम चलवती पुरुषुया बेस है ये पर मेरे माइक का पूरा बेस है, पूरा ही बेस है। एक जन्म जन्मों जन्मों की जब भाग्य उदय होते तब जाकर के भगवान की कथा सुनने को मिलती है। 84 लाख प्रकार की होती है, जिनमें से 83 लाख 99,999 दूसरी योनि, मात्र एक योनि है मानव। अब 83 लाख में 30 लाख को वनस्पति जोड़ो आराम से, 30 लाख वनस्पति पेड़ पौधे लता पता बेल ये गेहूं चना के बीज से जो उत्पन्न होने वाले वृक्ष ये 30 लाख। 20 लाख क्षण भंगुर या रेजगारी कहे की ये 5-5 का गुणिया भाई, आप अपना गुणिया आप अपना वे राकड़ा आगे नहीं छोड़ने आ रहा, ये गुणे जगह की है नहीं। देखो अभी तो लाया तो नहीं अपना गुणिया, थोड़े काम और गुड़ रहा अपना गुणिया ने पौधे राखना एक जो डब जावे इन गल्याण मारवे ला दे ला फेरा अड्डू की मार कटे ला दे ला मारवा ये भूणा ने छोड़ जाओ ताकि बात ना करे। 30 लाख तो वनस्पति 20 लाख क्षण भंगुर, क्षण भंगुर का मतलब पल भर के अंदर जन्म होता है पल भर में वो मर जाते। 30 और 20 हो गए 50 लाख। 9 लाख जीव जल के अंदर जल चल चल गुण 60 साल। 11 लाख नवचर गगन मंडल में रहने वाले 70 लाख। 10 लाख जमीन पर रहने वाले थल चल 80 लाख। फिर बचे 4 लाख में देवता दानव और मानव। भाई 4 लाख में देवता दानव और मानव, अब उनमें 3 लाख 99,999 देवता दानव आ गए, एकमात्र योनि मिलती मानव योनि। और ये मानव योनि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में आखिरी में मानव योनि है। जब आप और हम जब इन समस्त योनियों में भटक करके आए, इन योनियों में भटकने के बाद में ये सबके सब नरक थे। 84 लाख जो योनियां थी ये क्या थे? नरक। इन नरकों को भोग करके आप और हमने जब पुण्य उदय हुए तब जाकर के ये मानव योनि मिली, मानव योनि मुक्ति प्राप्ति की दौड़ी। पीछे आवाज नहीं आ रही थी, पीछे दो स्पीकर और लग रहा, हाँ स्पीकर और बढ़ा सिस्टम से जी रहेगा, हाँ स्पीकर और बढ़ा बोली सामरिया से ही ठीक वासे मंगवा ने कथा पांडा लोग यज्ञ मंडप में पड़े हुए स्पीकरों को मंगवा करके लगवा, दो आदमियों को भेजो फोन के लाएंगे वायर डाले कि पब्लिक तो बैठेगी ना, अलग आवाज सबके पास जानी चाहिए, ये व्यवस्था ही आपकी रहेगी। बोली सामरिया से ही ठीक आप और हम 84 लाख प्रकार की योनियों में भटक करके आखिरी के अंदर ये मानव योनि मिली। मानव योनि खाने के लिए कमाने के लिए नहीं मिली है, मानव योनि केवल खेती बाड़ी करने के लिए नौकरी करने के लिए पैसा बनाने के लिए मकान बनाने के लिए नहीं मिली। मित्रों सज्जनों ये मानव योनि धरती पर मकान बनाने के लिए नहीं मिली है, ये मानव योनि भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरणों में अपना स्थान बनाने के लिए मिली है। जब जीव आपने हमने भी नरक को भोगा, जब आप और हम जब माँ के पेट में थे तब भगवान से बार बार प्रार्थना करा, हे भगवान इस नरक से मुझे बाहर निकाल दो, धरती पर जाकर के मैं आपका भजन करूंगा। परंतु जी वो बालक का जन्म होता है, किसी का बेटा बन जाता है, किसी का पोता बन जाता है, किसी का भाई बन जाता है, किसी का बड़ा होता है पति बन जाता, फिर किसी का पिता बन जाता, फिर किसी का दादा बन जाता, माया के जाल में उलझ करके फिर वही पाप कर्म करता है, फिर मृत्यु को प्राप्त करके वापिस 84 लाख में भटकने लग जाता है। परंतु शास्त्र कहते हैं कि जो जीव अगर जीवन में एक बार नियम के साथ श्रीमद् भागवत की कथा को धारण कर लेता, सुनना नहीं शब्द में बड़ा भेद है, सुनना अलग चीज है, भागवत की कथा को सुन करके जो जीव हृदय में धारण कर लेता है उस जीव को 84 लाख के चक्करियों में उलझना नहीं।
सुनने का मतलब तो इधर से सुना इधर से निकाल दिया, वो तो होता सुनना, और धारण करने का मतलब जो भी सुना उसे अपने अंदर में उतार लिया, अपने जीवन को इस भागवत के अनुरूप जो जीव डाल लेता उसे कहा जाता धारण। कियं प्रवजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहतकात्वया जुहावे पुत्री तन्मयतयास्तरिभूभिनेदि स्तं सर्वभूतहृदयं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। महापुरुष कैसे कि जो जीव भागवत की कथा को एक बार सुन लेता उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, सदैव पुण्य पवित्र होकर के वो क्षीर सागर के अंदर वैकुंठ में जाकर के क्षीर सागर के अंदर भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में अपना स्थान बना लेता है। कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय मेरो नंद नंद नाये, वासुदेवाय